हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे इस चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को इन डिजाइन, कोरल ड्रॉ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और भी बहुत सारी जानकारियां हैं कि आप अपने सिस्टम में कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उनको भी किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, यह सब जानकारियां मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। और अब तक दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर इन डिजाइन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, 57 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। और इसके अंदर मैंने आपको इन डिजाइन किस प्रकार से इंस्टॉल करें और इन डिजाइन के अंदर आप नया डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनाएं, इसके आप जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रीसेट ब्लिट्स क्या होती हैं, आप उसमें के डॉक्यूमेंट किस प्रकार से सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, आपकी आपकी कॉपी किस प्रकार सेव की जाती है, यानी इस तरह की जितनी जानकारियाँ मैं जो भी आप इन डिजाइन के अंदर सीखना चाहते थे या फिर जो भी कुछ मैं इसमें आपको बता सकता था, मैंने आपको सारी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी हैं। अब दोस्तों, मैं अब क्या करने वाला हूं कि अब मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं एक बुक बनी हुई है इंडिजाइन के अंदर। आप यह बुक किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, कैसे यह बुक की इसकी लेआउटिंग होती है, यानी अब जो टूल्स मैं आपको बता चुका हूँ उन सभी टूल्स का प्रयोग करके अब जो भी आप जैसे कि पैराग्राफ स्टाइल्स है, ब्लीड्स है, स्लग्स है और जितनी भी आप उसके अंदर पिक्चर्स किस प्रकार से इंपोर्ट करते हैं, कैसे इसको किस प्रकार से बुक लेआउट होती है, यह सब कुछ मैं आपको अब सीरीज बाय सीरीज इस पूरी इस बुक का दो चैप्टर में आपको अपने इस चैनल पर डिजाइन करके बताऊंगा कि आप इसको किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, इस अपनी बुक को कैसे आप लेआउट कर सकते हैं। और इसको जैसे कि आपको रॉ फाइल मिलती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें रॉ फाइल मिलती है, वो इस तरीके की होती है, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट से अब इसको किस प्रकार से वहाँ इंपोर्ट करेंगे, कैसे उसको खोलेंगे और सब चीज़ें कैसे किस प्रकार से बदली जाती हैं आपके इस लेआउट के अनुसार, ये सब कुछ मैं आपको अब जो मेरी सीरीज स्टार्ट होगी यहाँ से मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ को पूरी तरह से लेआउट करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको अपने सिस्टम पे यानी अपने इसको जो इंडिजाइन के अंदर इसको किस प्रकार से लेआउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के जिस सीरीज को जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि इंडिजाइन के अंदर आप एक बुक किस प्रकार से लेआउट कर सकते हैं, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई भी बुक जो लेआउट है वो इंडिजाइन के अंदर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है, जो हमें सोचनी पड़ती है, वह होती है कि हमारी जो बुक है उसका साइज क्या होने वाला है, यानी जो हमारा डॉक्यूमेंट साइज होगा। आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट साइज जो है ये क्या होने वाला है, और इसको सबसे पहले हमें सेट करना पड़ता है, सबसे पहले हमें अपना पेज साइज देना पड़ता है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए। जब भी उसका लेआउटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें जो पेज साइज है हमें वो लेना होगा। हम क्लिक करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे करेंगे, और न्यू डॉक्यूमेंट करने के बाद आप इसे यहाँ देख पा रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट इसने लेटर लिया हुआ है और यह जो है ये पाइकास्ट में है, बट डोंट वरी, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके यदि साइज एक्चुअली पता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज किस में बनना है, तो आप यहाँ पे वो साइज डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ 8.5 और इसके आगे टाइप करना है मुझे इंच, यानी जो बुक होती है हमारी जो चिल्ड्रन बुक्स हम बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे जो साइज होता है वो 8.5x11 इंच की किताबें यहाँ पे इंडिया के अंदर मोस्ट जो सबसे ज़्यादा चलती हैं, छपती हैं और बिकती भी हैं, वो 8.5x11 इंच की होती है। यानी वो अगर कटिंग साइज जो है वो उसका बुक का किसी भी बुक का यहाँ पे इंडिया के अंदर वो 8.5x11 इंच के अंदर होता है। तो आप यहाँ ऊपर 8.5 लिखेंगे और 8.5 लिखने के बाद इसको आप IN कर देंगे तो ये वैल्यू अपने आप जो नेक्स्ट भी यहाँ जो वैल्यू बनेगी, या यहाँ कोई और वैल्यू पिक्सल भी है, पाइका भी है, सेंटीमीटर भी है, तो वह वैल्यू उतनी अपने आप इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, इसको करते हैं 11 इंच का। तो ये हमने जो साइज है हमने वो लेटर साइज ही होता है बाय डिफॉल्ट, जो 8.5x11 इंच का है हमने वो ले लिया। यहाँ पे दोस्तों साइज और भी होते हैं, A4 है, A3 है, बट A3 यदि हम डॉक्यूमेंट प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं तो यूज होते हैं, लेकिन यदि हम इसको बुक लेआउटिंग में यूज कर रहे हैं तो ये A4 साइज है, ये बहुत ही कम यूज होता है। यानी हम इसको प्रिंटिंग के पर्पज के लिए A4 साइज हमारे इंडिया में यूज नहीं होते हैं। हमारे इंडिया में लेटर है, उसके बाद लेटर हाफ है, ये साइज ज़्यादा यूज होते हैं। और हम जो लेआउटिंग करने वाला हूँ मैं आपको इसी लेटर साइज में ही लेआउटिंग करने जा रहा करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, यदि आप कहीं इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं, तो यदि आप इंडिया में सीख रहे हैं और कहीं आपने पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो पूछेंगे कि आपको लेआउटिंग के बारे में कोई जॉब दी जाती है तो कि बुक का साइज क्या होना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पर सेट कर दिया हमने कि बुक साइज क्या होगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ मार्जिन पे। तो दोस्तों, मार्जिन जो है हमारे
मार्जिन हमारा ये एरिया है कि जो कि हम इस एरिया से जो हमारा कटिंग एरिया है उस कटिंग एरिया से और जो हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होना है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट जो है एक मेजेंटा लाइन आई हुई है, सारे जो टेक्स्ट एरिया है वो हमने इसके अंदर रखा हुआ है और जो पेजिनेशन है वह उसके बाहर है, और इसके अलावा कुछ पिक्चर्स, कई बार पिक्चर्स हम इस एरिया के बाहर रख लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे पिक्चर्स भी और टेक्स्ट भी इस एरिया के बाहर ना जा पाए अनलेस कि हमारी कोई मजबूरी फंस जाए। तो ये हमारा जो यहाँ आप देख पा रहे हैं मार्जिन जो एरिया है, यह वही मार्जिन एरिया है कि जो हमारा कटिंग एरिया है और जो हमारा प्रिंट एरिया है, जो टेक्स्ट हमारा जाने वाला है, जो हम टेक्स्ट यहाँ ऐड करने वाले हैं, वह उस एरिया से बाहर ना जाए। तो यहाँ पे हम मार्जिन एरिया सेट करते हैं। ये जनरली हमारा जो मार्जिन एरिया है यह 45 पॉइंट से, यानी हम पीटी मानते हैं इसको, पीटी से लेकर के 55 पीटी तक भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो ये 40 पीटी से इसको कम रखेंगे तो एरिया बहुत कम दिखता है। बच्चों की किताब में हम इसको 40 पीटी से कम, मैंने तो कभी नहीं रखा, और ये बाय डिमांड यदि किसी की आप पब्लिशर्स की आ रही है या फिर आपको लेआउट करने, जिसने आपको लेआउट करने को दिया है उसने कहा है कि अगर आपको मार्जिन कम रखना है तो आप वहाँ रख सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको 45 पीटी का मार्जिन रखते हैं। और जैसे आप यहाँ करेंगे तो आप देखेंगे सारी वैल्यूज अपने आप बदल जाती है, और ये सारी वैल्यू आप एक बार एक टाइप करेंगे तो चूंकि आपने यहाँ लॉक डाला हुआ है, तो यहाँ पर लॉक करने का मतलब है कि जो वैल्यू आप एक एक किसी एक में टाइप करेंगे तो बाकी जो चारों सेक्शन से, यानी चारों तरफ से, ऊपर से भी, नीचे से भी, बॉटम से भी, और सारी वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। लेकिन करना क्या हो दोस्तों, अगर नीचे हमारी जैसे यहाँ पेजनेशन आ रही है, जहाँ पेजनेशन आने के बाद हमें जो गैप है नीचे का वह थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो यानी अब हमने सब बराबर कर दिए हैं। अब इसको लॉक को खोलते हैं यहाँ पे, और जो बॉटम एरिया है इसको मैं कर देता हूँ 55 पीटी का, यानी जो बॉटम एरिया है यह मेरा थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे मार्जिन्स बता दिए। मैंने आपको जब भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आप मार्जिन्स को किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, मैंने आपको यह बताया, यानी आप उसका टॉप लेफ्ट और राइट का जो मार्जिन्स है मैंने रखा है 45 पीटी का, और बॉटम जो मार्जिन है उसे मैंने कर दिया है 55 पीटी का, जो कि वैल्यूज यहाँ पाइका में शो कर रहा है। बट यदि यहाँ पे वैल्यूज मेरा जो स्केल ग्राफ है, अगर ये इंचेस में होता तो ये आपको यहाँ पे वैल्यू इंचेस में शो करता, बट डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू हम यहाँ टाइप कर रहे हैं, अगर उसका अगर पी एक्स लिख देंगे तो वो वैल्यू पिक्सल्स में आ जाएगी, पी और पी टी लिख देंगे तो वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, और इंच लिखेंगे तो वैल्यू इंच में जाती है, तो डोंट वरी, से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक ऑप्शन है फेसिंग पेजेस का। ये दोस्तों जब भी आप बुक लेआउट कर रहे हैं तो यह फेसिंग पेज का ऑप्शन जरूर ऑन रखें, क्योंकि यह यही ऑप्शन है जो आपको दो पेज का, जो आप फेसिंग पेज लेआउट करते हैं तो आपको एक इसकी जो लेआउट आप कर रहे हैं वो आपको बेहतर दिखाई देगा, कि जब दोनों किताब पेज खुले होते हैं बुक करके बुक के, तो आपको वो दोनों पेज किस प्रकार से दिखाई देंगे। यानी आप भी जब नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, सबसे पहले से नंबर ऑफ पेजेस तो हम बाद में बढ़ा सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ पेजेस हम बाद में कभी भी सेट कर सकते हैं, लेकिन फेसिंग पेज ये हम जब नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तभी देखना उसको ऑन कर देना चाहिए। और इसके बाद आपको पेज साइज सेट करना चाहिए, और इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स की हमें अभी कोई जरूरत नहीं होती, अनलेस कि आप बुक जो है दो कॉलम में बना रहे हैं, तो बाद में आपको यही लेआउट जो है इसको मैं आपको दो कॉलम में भी करके दिखाऊंगा कि आप इस लेआउट को दो कॉलम में किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं आपको एक और लेआउट भी दिखाऊंगा कि आपको दो कॉलम में किस प्रकार से बुक को लेआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए जब कहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो, ताकि जो भी मैं आपको नई टिप्स जो भी उसमें डालूंगा आपको वह तुरंत ही आपके जो नोटिफिकेशन एरिया है, आपका जो जीमेल बॉक्स है, ईमेल बॉक्स है, उसके अंदर आपको तुरंत मिल जाएगा। और इसके लिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं होता है, यदि आप मेरे चैनल पे हैं या आप मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसके नीचे चूंकि मेरा लॉगिन हुआ पड़ा है तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब ऑप्शन आता है, आप यहाँ से मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यदि आप चाहे तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि इसके अलावा आप मेरे होम पेज पर भी हैं तो होम पेज पर भी आप चूंकि मेरा लॉगिन है तो यहाँ तो यहाँ पे आप एक बैंड आता है, रेड बैंड आएगा, आप यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि मैं भी जो नई वीडियो डालूँ आपको वो तुरंत मिल जाए। तो अब दोस्तों हम थे अपने इस न्यू डॉक्यूमेंट पे, इसके बाद अब क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यह दो ऑप्शन यहाँ देख पा रहे हैं, एक ऑप्शन आपका पोर्ट्रेट का है, एक लैंडस्केप का है, तो आपने बुक्स वाली पोर्ट्रेट मोड में बननी है, डोंट वरी, आपने इसको पोर्ट्रेट यहाँ पे ओरिएंटेशन इसकी नहीं चेंज करनी है। और इसके बाद अब रहेगी एक बात और है दोस्तों यहाँ पे, जो कि मैं आपको सब कुछ यह सब सेक्शंस जो है मैं आपको पहले अपनी वीडियो से मैं बता चुका हूँ, पर चूंकि आज मैं एक नया प्रोजेक्ट आपको समझ पूरी बुक्स इसका जो लेआउट करूंगा, तो इसलिए मैं आपके एक एक सेक्शन से फिर से विस्तार से समझा रहा हूँ कि आप इसको कैसे
इसको अपना बुक जो है इंडिजाइन के अंदर कैसे लेआउट कर सकते हैं। अब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे मोर ऑप्शंस में। आप मोर ऑप्शंस पे जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे आपके यहाँ पे एक ऑप्शन और बढ़ जाता है ब्लीच एंड स्लग का। तो स्लग दोस्तों हम मैं जैसे कभी यूज नहीं करता, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी स्लग लगाने की कभी भी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, और अब आपको भी नहीं पड़ेगी। बट ब्लीड का ऑप्शन हमें बहुत जरूरी होती है कि हमें ब्लीड का जो ऑप्शन है वो हमेशा ऑन रखना होता है और कम से कम 3 mm की ब्लीड देनी ही पड़ती है हमें चारों तरफ से डॉक्यूमेंट के, यानी सेंटर से जो जो इनसाइड है आप वहां से ब्लीड नहीं देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ से किताब फोल्ड होती है, प्रिंटर अपने आप की जो इनसाइड मार्जिन जो ब्लीड होती है उसको जीरो कर देता है, लेकिन टॉप लेफ्ट और जो बॉटम का ब्लीड है या राइट की ब्लीड है यह किसी भी डॉक्यूमेंट में होनी बहुत जरूरी है, चाहे आपका डॉक्यूमेंट जो पिक्चर्स हैं वो आपके ब्लीड एरिया में आ रही हो या ना आ रही हो, आपको ब्लीड देनी ही पड़ती है। तो कम से कम 3 mm की ब्लीड हम यहाँ पे रखेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे 3 mm ब्लीड रखे नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि पूरे सेक्शन के अंदर जो ब्लीड्स हैं वो अपने आप ही इसके अंदर इंसर्ट हो जाती हैं। और इसके बाद चाहे दोस्तों आप जो इनसाइड ब्लीड है इनसाइड आपके लॉक को खोल दीजिए, आप इनसाइड को ब्लीड को जीरो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जीरो कर दिया तो इससे क्या होगा कि जो टॉप और राइट जो लेफ्ट और बॉटम की जो ब्लीड है ये रहेंगी, लेकिन सेंटर की ब्लीड नहीं रहेगी, जो कि ज्वाइंट डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट सिंगल पेज दिखा जो पहला पेज होगा आपको यहाँ पर राइट साइड की या लेफ्ट साइड की ब्लीड है वो आपको नहीं दिखाई देगी। दोस्तों ये सेटिंग होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए। और अब आप चाहें तो इन सेटिंग्स को यहाँ पे यदि आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल बन गए हैं, आपको काफी कुछ आ गया है, तो इन सेटिंग्स को आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैं सेव पे सेट किया और यहाँ पे लिखा न्यू डॉक्यूमेंट 8.5x11 inch का, यानी ये जो डॉक्यूमेंट ब्लेड प्रीसेट है ये मैंने सेव कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलेंगे और आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सारी सेटिंग्स हैं ये अपने आप आपके जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं यहाँ पे अपने आप बदल जाए। जैसे कि आप देखिए मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट ये सेटिंग से 0.0 था, यहाँ पे जो भी सेटिंग थी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जो सेटिंग मैंने अभी बनाया वो सारी सेटिंग यहाँ पे सेव हो जाती है। अब इसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं ओके पे। ये देखिए जैसे कि मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सारी जो सेटिंग्स हैं ये सेटिंग्स अपने आप ही नीचे के जो मार्जिन है ये आपके 55 पे जो मैंने पीटी रखा है 55 पे पीटी रखा है वो हो गई होंगी। यहाँ पे क्लिक कर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया है और इस पर मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ ट्राई ड्रॉ किया है, और आप इसकी आउटलाइन अभी जो कि मैं आप छोड़ दूंगा तो यहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक फ्रेम दिखा देता है। और मैं जल्दी दोस्तों क्या करता हूँ कि मैं इस फ्रेम को जो यहाँ दिख रहा है आपको मैं इसको ऑफ रखता हूँ कि जो मेरा लेआउट मैं कर रहा हूँ वो मुझे नीट दिखाई दे। मैं कभी भी जो आउटलाइन और क्रॉस मार्क दिख रहे हैं मैं उन नहीं रखता हूँ। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ व्यू में जाता हूँ और जो इसके अंदर एक्स जो एक्स्ट्रास के अंदर जो इसके अंदर हाइड जो फ्रेम एजेस है मैं हमेशा इसको ऑफ कर देता हूँ, यानी कंट्रोल एच दबा करके मैं कंट्रोल एच दबाता हूँ। तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं और इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, मुझे लेआउट नीट दिखाना होता है क्योंकि मैं लेआउट कर रहा हूँ तो बेसिक चीज मेरा फंडा है वो लेआउट करने का है, लेआउट मुझे नीट दिखना चाहिए। तो मैं इसका हमेशा जो कंट्रोल एच है ऑप्शन से मैं इसको गायब रखता हूँ, और जो मुझे कोई चीज आउटलाइन देखनी भी होती है तो मैं इसकी आउटलाइन को बाय डिफॉल्ट या तो आप वहाँ पर चेक करें या फिर आप इसको जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्रेम दबाया मैं क्रिएट करता हूँ और चूंकि आउटलाइन चाहता हूँ इसको तो मैं यहाँ पे डी प्रेस कर दूंगा अपने कीबोर्ड पे। जैसे ये डी प्रेस करूंगा तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है इसकी आउटलाइन अपने आप बन जाती है किसी फ्रेम की। तो अब मैं यहाँ पे था कि आप यहाँ चेक करिए मैं इसको वैल्यू थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ से यहाँ पे स्केल देख पा रहे हैं जो स्केल है यह अभी है इसके अंदर सॉरी स्केल आपका पाइकास में है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं इसको चेंज करता हूँ इंचेस के अंदर। तो अब आप मैं सबसे पहले स्केल चेंज किया मैंने इसको किया इंचेस में क्योंकि हमें वैल्यू चेक करनी है पॉइंट्स में। जो मैंने आप 35 पीटी दिया है यहाँ 35 दिया है, नीचे का मैंने 45 दिया है और नीचे का 55 दिया है, मुझे वैल्यू चेक करनी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए कि ये है मेरा हाइट दिखा रहा है 56 पीटी का, क्योंकि 56 मेरा इसे ड्रॉ करने में कुछ एक आधी इंच ऊपर नीचे हुआ होगा, क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ 55 की दी है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं लेआउट के अंदर मार्जिन एंड कॉलम्स में जाकर के, देखिए बॉटम का मैंने 55 पीटी दिया है तो ये बॉटम 55 पीटी रहेगा। यदि आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वहाँ पे सेटिंग जो न्यू डॉक्यूमेंट आपने बनाया था आपने कुछ यहाँ मैंने चेंज किए थे यहाँ देख पा रहे न्यू डॉक्यूमेंट करके, तो आप इन सेटिंग्स को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं मार्जिन एंड कॉलम्स के अंदर जाकर के भी इस सेटिंग को बदल सकते हैं यदि आप बदलना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो यह था कि हमने अभी एक
नया डॉक्यूमेंट इंडिया के अंदर किस प्रकार से बनाया है। अब इसके बाद अब हम जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसके अंदर कुछ पेज और ऐड करने हैं, वह पेज किस प्रकार से ऐड करते हैं अब मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूं। अब एक तो तरीका है कि आप यहां जाएं, पेज में जाएं और इंसर्ट पेजेस करें। कितने पेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं भी 10 पेज इंसर्ट करना चाहता हूं यहां पे, और यहां देख पा रहे हैं कि आप ए मास्टर पे हैं मास्टर, और मास्टर पेज किस प्रकार से क्रिएट करेंगे जो मैं अगली वीडियो तुरंत बनाऊंगा इसके बाद, उसमें मैं आपको ए मास्टर जो मास्टर पेजेस हैं आप ये किस प्रकार से बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट पेज कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे 10 पेज इंसर्ट किए, ये आप डॉकर्स के अंदर जाएंगे विंडोज और डॉकर्स के अंदर आप इसके अंदर देखिए ये रहते हैं। तो दोस्तों डॉकर्स के अंदर आपको मिलेंगे एक सेक्शन होता है पेजेस का, यानी आप ये देख पा रहे हैं कि पेजेस जब उसके आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज आपने इंसर्ट कर दिए हैं या आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, इन सभी को आप जो पेजेस का पैनल विंडो है आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपके इंडिजाइन के अंदर ये पेजेस का सेक्शन नहीं खुला हुआ है तो आप यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं आप क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन गायब हो जाता है, दोबारा क्लिक करूंगा पेजेस पे तो ये जो पेजेस का सेक्शन है ये खुल के सामने आ जाता है। यानी अब क्या है कि यहाँ पे 10 पेज मैंने अभी इंसर्ट किए हैं और एक पेज यहाँ पहले था, तो टोटल मिला करके यहाँ पे 11 पेज आ गए हैं। और इसमें से एक जो पहला पेज है, यानी जब भी हमारी कोई बुक खुलती है तो उसकी स्टार्टिंग का पेज होता है कि यहाँ पे आप इनर पेज होता है, यानी बुक के जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो यहाँ पे हमारा इनर टाइटल होता है, यानी जो बुक का कवर होता है, कवर के बाद एक पेज खाली होता है जो कवर के साथ लगा होता है, और यहाँ से बुक आपकी स्टार्ट होती है, यहाँ पे आपका जो भी बुक का नाम होता है वो लिखा होता है, यानी जो इनर पेज होता है तो यहाँ से बुक स्टार्ट होती है। इसके बाद सारे पेज जो होते हैं वो फेसिंग होते हैं, यहाँ पे आपको कॉपीराइट होता है, प्रीफेस होता है और कंटेंट या यूनिक फीचर व्हाटएवर जो भी यहाँ पे सेक्शन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको जो पब्लिशर है या जो बुक छाप रहा है या जो भी आपका बुक का ऑथर है उसके पेज प्लानिंग क्या है कि वो किस हिसाब से यहाँ पे पेज प्लानिंग करना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता दूं पहले कि इसमें से कुछ वीडियोस काफी लंबी भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं आपको इन वीडियोस के अंदर एक एक बात जो भी मैं लेआउटिंग करने से मैं आपको ध्यान रखनी चाहिए उन सबको मैं पूरा आपके सामने एक पूरा रिवीजन रखने वाला हूँ। यदि कुछ लोगों को हो सकता है किस चीज से प्रॉब्लम हो कि मैं वीडियो काफी लंबी कर दे रहा हूँ या कई चीजें इसमें रिपीट हो जा रही हैं, तो उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ कि अब उन लोगों को काफी फास्ट नहीं बता पाऊँ कि मैं, क्योंकि ये जो मेरा ट्यूटोरियल है मैं चाहता हूँ कि ये उन सभी लोगों के काम आया जो इंडिजाइन सीखना चाहते हैं या जो इंडिजाइन के अंदर आप नया नया कोर्स कर रहे हैं या कुछ अभी वो पूरी तरह से इसके अंदर प्रोफेशनल नहीं है, तो ये वीडियो जो है मेरा उनके लिए बना रहा हूँ स्पेशली कि जिन लोगों को कहीं भी इंटरव्यू देने जाना है और वो वहाँ पर जाकर के उनको कोई जॉब दे दी गई है तो वहाँ पे उन चीज़ों को किस प्रकार से देखेंगे, पेज का लेआउट को किस प्रकार से करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने पेज बनाए हैं यहाँ पे सबके जो सेटिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं सब पे ए मास्टर अपने आप अप्लाई हो गया है, और जो मैं यहाँ पे ब्लीड और मार्जिन मैंने दिए थे वो सब कुछ यहाँ पे अपने आप लग गए हैं। लेकिन यदि दोस्तों यही क्या काम होता है कि मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, कोई हम क्या गलतियां कर जाते हैं कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और हमने यहाँ पे यहाँ टाइप कर लेते हैं कि हमें साइज क्या चाहिए, 8.5x11 का साइज चाहिए होता, सॉरी 8.5 इंच का हो गया और इसके बाद हो गया 11 इंच हो गई। हमने क्या करते हैं लेकिन हम यहाँ पे मार्जिन को सेट नहीं करते हैं, कस्टम में जाते हैं हमारे डिफॉल्ट में जाते हैं और जो यहाँ पे जो मार्जिन हैं इन्हें हम लोग कई बार 0-0 पड़ा होता है हम इसको सेट नहीं करते हैं, और इसको मोर ऑप्शन में भी जो ब्लीड है यह भी हम नहीं करते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है हमने ओके कर दिया तो एक पेज खुल जाता है हमारा इस टाइप का, क्योंकि हमने वहाँ पे जो भी जो बाय डिफॉल्ट जो भी मार्जिन था हमने वहाँ सेट नहीं किया होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग यहाँ आते हैं लेआउट पे और यहाँ से आके मार्जिन एंड कॉलम्स सेट करते हैं। 45 PT का मैंने डाला यहाँ पे पूरा बदल गया और मैंने बॉटम भी आपका यहाँ बताया, जैसे मैंने यहाँ 55 PT दिया है, मैंने यहाँ 55 PT दिया है और ओके कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि जब भी हम पेज नया इंसर्ट करेंगे जो सारी सेटिंग है वो अपने आप नेक्स्ट, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं या तो आप यहाँ लेआउट के अंदर जाकर के पेजेस को इंसर्ट करें या आप यहाँ भी जाकर के इंसर्ट पेज कर सकते हैं, क्लिक करें आपके जो पेजेस का पैनल विंडो है जो कि मैंने बताया आपको विंडो F12 से खोलते हैं, आप यहाँ भी जाकर के पेज इंसर्ट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 10 पेज इंसर्ट किए, तो देखिए 10 पेज इंसर्ट कर तो दिए मैंने, लेकिन आप देखें जो मैंने यहाँ ब्लीड सेटिंग रखी थी जो पहले पेज पे था वो बाकी पेजेस पे अप्लाई नहीं हुआ है।
कई बार जो नए नए बिगनर्स होते हैं वो यहाँ गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ अप्लाई किया है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अप्लाई है ए मास्टर पेज, यहाँ भी ए मास्टर अप्लाई है, और जो हमने सेटिंग चेंज की है वो हमने पर्टिकुलर सिर्फ एक पेज, यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो आपको उस पेज पर, आप किसी पे डबल क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। तो जब हम पेज नंबर 1 पे डबल क्लिक किया मैंने तो पेज नंबर 1 पे आ गया, तो हमने सिर्फ पेज नंबर 1 पे जो सेटिंग है वो अप्लाई करी है और बाकी पेज से अप्लाई नहीं की है। तो ये सेटिंग हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आप जो दोनों पेजेस हैं आप दोनों पेज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये ए मास्टर है। हमें बाकी आपको मास्टर पेज को किस प्रकार से यूज करते हैं, आप पेज से मास्टर पेज में किस प्रकार डालेंगे, जो हेडर फुटर्स है वो आप पेज जो मास्टर पेजेस हैं किस प्रकार डालेंगे, ये जब मैं उन सेक्शन पे आऊंगा तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं चूंकि न्यू डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट जब क्रिएट कर रहे हैं तो आप इसको किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, यह हाँ मैं आपको इसके बारे में पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। तो जो ए मास्टर पर आप डबल क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप जो लेआउट है जो मार्जिन सेंड कॉलम से आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी आप ए मास्टर में हैं। अगर आप पेज पर रहेंगे तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर पेज के लिए जो मार्जिन सेंड इसका सेक्शन से उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप बाकी जो मास्टर पे चेंज नहीं होता है। लेकिन यदि आप मास्टर पे अप्लाई करेंगे तो जिन जिन पेजेस पे ए मास्टर लगा हुआ है उन उन पेजेस पे अपने आप ही सारी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। अब मैं यहाँ डालता हूँ 45 PT और इसको लॉक करूंगा, और लॉक करने के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मास्टर है वो अप्लाई हो गया है, जो हमें सेटिंग यहाँ डाली है। अब इसको दोबारा मैं अनलॉक करता हूँ, तो जो कि बॉटम मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मैं इसको करता हूँ 55 PT। दोस्तों ये बॉटम का जो एरिया है ये डिपेंड करता है कि कई बार हमें जो हमारा पोजिशन होता है वो छोटा होता है, तो हम ज्यादा कई बार उसको बराबर रखते हैं, कई बार कम ज्यादा रखते हैं, तो डिपेंड करता है कि हम जो लेआउट करने जा रहे हैं उस लेआउट के अनुसार हमें कितना स्पेस और मार्जिन रखना है बॉटम साइड से। तो यह अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग वेरिएशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लेआउट जो भी आपको दिया गया है, जो भी आपको जहाँ इंटरव्यू देने गए हैं तो वहां जो आपको दिया गया है, या फिर यदि आप कोई बुक लेआउट कर रहे हैं तो आपको जो वहां भी आपको जितना आपको चाहिए आप इसको उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। तो अभी मैंने मास्टर देखा कि मैंने यहाँ मास्टर पर अप्लाई कर दिया है। अब मैं दोबारा यहाँ पे ए पर डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ तो हम पहले कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जितने पेज मैंने भी इंसर्ट किए उन सभी पेजेस पे जो सेटिंग है वो यहाँ अप्लाई हो गई है। अब इसके अंदर एक चीज और जो है कि वो ब्लीड नहीं है, जो कि मैंने आपको पिछले में यहाँ दिखाया कि इसके अंदर जो है कि मैंने ब्लीड ऐड किया था, तो जो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था तो मैंने उसी समय यहाँ ब्लीड डाल दिया था। लेकिन यदि आपने वह चीज यहाँ मिस कर दी है तो यहाँ पे आप ब्लीड किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं, इसके लिए वापस आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट सेटअप में। आप न्यू डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट बना दिया है उसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप जाएंगे डॉक्यूमेंट सेटअप। तो आप डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आप दोबारा क्लिक करेंगे मोर ऑप्शंस पे, और मोर ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप 3 mm की ब्लीड डाल देंगे, mm लिख देंगे। तो यहाँ जैसे आप डालेंगे 3 mm की ब्लीड डालेंगे, और दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे यदि आप मास्टर पेज पे हैं या नहीं है या किसी पेज सेक्शन पे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी पेज पे हैं या मास्टर सेक्शन में हैं, क्योंकि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के सेक्शन जो डॉक्यूमेंट है उसको चेंज कर रहे हैं, तो आप जो भी यहाँ ब्लीड डालेंगे वो पूरे पूरे डॉक्यूमेंट पे अपने आप अप्लाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक किया, देखिए कि यहाँ डॉक्यूमेंट लग गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, जो इनर सेक्शन है जो आपको जो सेंटर वाला मार्जिन पॉइंट है यहाँ पे मैंने 3 mm की ब्लीड दे दी है। आप चाहे तो इसको ऑफ कर सकते हैं, यदि आप ऑफ नहीं भी कर रहे हैं बाय द वे भूल जा रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट टू बी ऑन सेफ साइड कि जो डॉक्यूमेंट आप PDF बनाएंगे तो आपको सेंटर से नीट दिखाई दे, ताकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ब्लीड की जरूरत नहीं पड़ती, जब किताब फोल्ड होती है तो आपको यहाँ से कटिंग नहीं होती बल्कि यहाँ से किताब फोल्ड होती है सेंटर पॉइंट से। जो भी आप प्रिंटर आपको सेटिंग करेंगे किताब यहाँ से फोल्ड होती है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किताब कैसे फोल्ड होती है, जब मैं आपको पेज साइज पे आपको दिखाऊंगा कि आप इन पेजेस को किस प्रकार से जो फर्मे बनते हैं फर्मे किस प्रकार से बनाए जाते हैं यह भी मैं आपको दिखाऊंगा, बकायदा पेज फोल्ड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपकी कोई कटिंग नहीं होती है जो भी आपका सेंटर पॉइंट चल रहा होता है, तो आप यहाँ ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे देखिए यहाँ पे आपका बिल्कुल ये जीरो हो गया। तो दोस्तों अब ये सेक्शन थे, मैं इस सेक्शन में जो मैं आपको बताया कि आप किस प्रकार से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जो भी अगर लेआउट में क्रिएट करने जा रहा हूँ या अगर इस पेज की सेटिंग बनाने जा रहा हूँ तो आप नया डॉक्यूमेंट किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, अब इसको
मास्टर पेज पर किस प्रकार से अप्लाई करेंगे उन सभी जो सेटिंग जो आपने एक पेज पर कर रखी है, यदि आप नया पेज डॉक्यूमेंट के तो आपको शुरू में किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, या यदि आपने डॉक्यूमेंट बना दिया है तो बाद में भी आप ये सेटिंग किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वर्ड फाइल जो है आपको जो आपको क्लाइंट से आई हुई है, जो चैप्टर आया हुआ है क्लाइंट्स के पास से, कि बुक टू का जो चैप्टर है 14 या 15 पीटी का जो भी दो चैप्टर आए हुए हैं, आप इसको किस प्रकार से अपने इनडिजाइन के अंदर इंपोर्ट करेंगे और इसको कैसे वहां पर ले जाकर के इसके फॉन्ट सेटिंग किस प्रकार से चेंज होती है, आप उसे कैसे किस प्रकार से करेंगे, ये सब कुछ मैं अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इस वर्ड फाइल को इम्पोर्ट करूंगा अपने इनडिजाइन के डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और जब तक कि मैं अपनी अगली वीडियो और पोस्ट करता हूं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि जो ये वीडियो मैंने बनाया है ये आपको कैसी लगी, और क्योंकि इसके अंदर मैंने एक एक जो बातें हैं जो भी आपको जाननी हो सकती हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं सब कुछ मैंने काफ़ी विस्तार से बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों अब अगली वीडियो में मैं आपको जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर इंसर्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप क्या फॉन्ट साइज रखेंगे बुक के लेवल के हिसाब से, क्या बुक फॉन्ट साइज होना चाहिए, कितनी आपको मार्जिन होने चाहिए, कितने आपके पास जो लीडिंग है पैराग्राफ स्पेसिंग है वह सब क्या होती हैं, यह सब कुछ मैं आपको अपनी आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, और कृपया मेरे चैनल में इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले दोस्तों, धन्यवाद।